अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हल्द्वानी में कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नगर में दिए बांटकर लोगों से अपने घरों में दिए जलाने की अपील की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्तिक हरबोला ने बताया कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। कल भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और देशवासी एक बार फिर से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीपावली मनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान राम लला विराजमान होने जा रहे हैं, जो कि पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर दीपावली के रूप में भव्य मनाने के लिए लोगों को दिए बांटे जा रहे हैं, जिससे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों में दिए जलाकर इस शुभ अवसर पर भगवान श्री राम को याद कर सकें। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरा देश भक्ति के रस में डूबा हुआ है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जहाँ उनका जन्म हुआ उस मंदिर में विराजमान कल होने जा रहे हैं। कई वर्षों की तपस्या के बाद, कई वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन हमारे जीवन में आया है। हम सब अपने लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि ये दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है और पूरा देश भक्तिमय माहौल में है। पूरे सारे युवा सब लोग राम के रंग में रंगे हुए हैं, इसीलिए आज हम सब लोग मिलकर जो लोग को कह रहे हैं कि अपने घर घर हम लोग दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, दीपावली मनाएं, हम अपनी तरफ से उन लोगों को दीपक दे रहे हैं कि वो घर में अपने दीपावली मनाएं। बहुत ही हर्ष की बात है। मैं तो अपने को बहुत ही गर्वान्वित इसलिए महसूस करता हूँ कि जब रामचंद्र का आंदोलन चला 90 और 92 में दोनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 90 में 23 दिन जेल में रहा और 92 में जब अयोध्या में बाबरी ढांचा हटाया गया उसमें मैंने भी थोड़ा अंशदान करा। उसके बाद जहाँ वहाँ चबूतरा बनाने बाद आज जो है जब 22 तारीख को हमारी मनिच्छा पूरी हो रही, 500 वर्षों के हिंदुओं के संघर्ष के बाद हम स्थिति पहुँचे हैं कि आज हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। 500 वर्षों के पश्चात हमारे भगवान को उनका घर मिला है। बड़ा संघर्ष किया है, लाखों की संख्या में कर्षों को बलिदान हुआ था। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज देश करोड़ बदल रहा है। राम से राष्ट्र की पहचान है, पूरे विश्व की पहचान राम से हो रही है। बहुत खुशी का माहौल है। घर घर कल दीपक जलाए जाएंगे, सत्संग होंगे, हनुमान चालीसा और शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत ही खुशी का माहौल है।